नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पीटीआई बर्खास्त टीचर्स के आंदोलन ने तेजी पकड़ी, सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वही जेल भरो आंदोलन में पीटीआई बर्खास्त टीचर्स का कर्मचारी संगठन और स्टूडेंट्स ने समर्थन किया। संगठनों से जुड़े कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने गिरफ्तारियां भी दी। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। सर, हमारी 4 मई 2010 की हमारी ज्वाइनिंग डेट है। 10 साल हमारे को नौकरी करते हो गए हैं। जब हमने इस जॉब के लिए अप्लाई किया 2006 में अप्लाई किया, 8 में हमारा इंटरव्यू हुआ, 7 में हमारा रिटर्न टेस्ट भी हुआ। रिटर्न टेस्ट हुआ, कैंसिल हो गया, उसमें कोई भी खामियां रही वो प्रशासन की खामियां थी, चाहे वो पेपर की लीकेज हो, चाहे कोई भी मामला है, उसमें कैंडिडेट का कोई दोष नहीं। उसके बाद सरकार ने दोबारा से पेपर के लिए बोला, फिर मना कर दिया, फिर इंटरव्यू के लिए बोला, बुलाया, हम लोगों ने इंटरव्यू दिया। आज जहाँ तक हमारी योग्यता पे अगर सवाल उठाए जाते हैं तो हम हर एक टेस्ट को क्लियर करके आए हैं। एचटेट हमारे पास है सर, हरियाणा सरकार ने एचटेट जो हरियाणा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा है, उसको रखने का पर्पस ही क्या है? अगर वो एचटेट को भी नहीं मानती है तो फिर उसको रखने का पर्पस ही क्या है? क्यों कैंडिडेट के साथ खेल के कर रहे हैं? 10 साल हमारी नौकरी को हो गए, हमारे 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें, हमने 0 लेवल से बच्चे को नेशनल लेवल तक पहुंचा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे पहुंचे हैं। हमारा रिकॉर्ड उठाकर चेक किया जाए, हमारी ACR चेक की जाए, हमारे अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी लग रही है हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें, जबकि 3 बार हमारी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वेरिफिकेशन हो चुकी है, उसके बावजूद भी अगर कोई शक है तो सरकार आज दोबारा हमारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करे। लेकिन हमारी योग्यता पर सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं उठता। और रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट हम सारी उम्र हो गई हमारे को टेस्ट देते, 14 साल से कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं, अब टेस्ट का मतलब ही नहीं बनता हमारे लिए। सर, जैसा कि सभी को विदित है आपके माध्यम से भी कि 8 अप्रैल को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है हमारे 1983 PTI के खिलाफ, लेकिन उसको देखकर हम सभी दुखी हैं, क्योंकि हमारे PTI साथी जो लगे हैं नौकरी में, उनका किसी भी रूप में ना तो हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी उनका कोई दोष साबित नहीं होता। लगने वाले आवेदक को कभी नहीं पता होता कि तू मेरिट में कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा है। तो जैसे ही लिस्ट आई थी, इन लोगों ने ज्वाइन किया है और भरपूर कार्य किया है, 10 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। हाई कोर्ट में इनके खिलाफ निर्णय आया तब भी इनका कोई दोष नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ आया तब भी कोई इनका दोष साबित नहीं हुआ। तो
12 जून को हमने ब्लॉक लेवल पे सबसे पहले ये सोचा था कि भाई एक धरना प्रदर्शन कर करके सरकार को बताया जाए कि हम निर्दोष को क्यों सजा दी जा रही है। 15 जून से हम लगातार, आज 62 दिन हो गए हैं, लगातार इस प्रदर्शन में हैं कि हमारी नौकरी बहाल करो, इससे दूसरी हमारी कोई बात नहीं है। और आज का जो प्रोग्राम था, ये पूरी स्टेट बॉडी में शारीरिक शिक्षक संघ हरियाणा राज्य का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये तय था कि सरकार ऐसे भी नहीं मानती तो पूरे जिलों में कम से कम हजारों की संख्या में आज हम जेल भरेंगे ताकि सरकार कहीं ना कहीं सचेत हो और निर्देशों को न्याय मिले और हमारी नौकरी बहाल हो। सबसे पहले नमस्कार सभी को। देखो मैं यहाँ पे अपने टीचर्स के लिए आई हूँ, कोमल कौशिक और दीपक कौशिक हमारे सर है, पीटीआई सर। देखो वो केवल अपने लिए मेहनत नहीं करते बल्कि हमें शुरू से ही छठी क्लास से हमें हमेशा आगे तक बढ़ाते हैं। और अगर थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं तो मैं छठी क्लास से योगा करते आई हूं और लगातार सेकंड ईयर में हूं मैं आज, और लगातार नेशनल प्लेयर रह चुकी हूं, और वो सिर्फ इनकी मेहनत की वजह से और थोड़ी मेरी मेहनत की वजह से। तो देखो मैं सरकार से इतना निवेदन करना चाहती हूं कि अगर वो आज वो हमारे टीचर्स को नौकरी से निकाल रहे हैं तो सिर्फ उनके भविष्य के साथ गलत नहीं कर रहे, खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि आने वाले हम जैसे आने वाले हजारों लाखों बच्चों के साथ वो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि वो जो भी करे, अगर कुछ गलत भी करना चाहे तो कुछ भी ऐसा गलत ना करे कि बाद में उनको पछतावा महसूस करना पड़े। तो मेरे आपसे ये निवेदन है, चाहते हैं बस पीटीआईयों को नौकरी से ना निकाले, हम जो कुछ है इन्हीं की वजह से है, आज हम इंटरनेशनल खेल के आए तो इन्हीं की वजह से है। बस यही है सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पीटीआईयों को ना निकाले नौकरी से, हमारा भविष्य खराब होएगा, बस सर यही है। नहीं तो फिर इसी प्रकार से जो हमारा आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, आज हम जेल भर रहे हैं, उसके बाद जब भी अगर जेल से निकलेंगे तो हमारा जो जन आंदोलन है वो गांव में घर घर में सरकार की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो खेत खलिहान मजदूरों की है, आशा वर्करों की, हमारा एक दूसरा की सरकार की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं उनको घर घर जाकर बखान करेंगे जब तक हमारी पुनः बहाली नहीं होती। कि हमारे को गुमराह किया गया है, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार ने हमारे को बिल्कुल क्लियर कट ये नहीं बोला कि हम आपका समाधान नहीं करेंगे, कभी कमेटी बना देते हैं, कभी बातचीत करते हैं, बातचीत कंटिन्यू चलती रहती है, मगर आज 4 महीने हो गए उसकी आउटपुट और जो भी रिजल्ट निकलना था वो आज तक नहीं है। हम और हमारे बच्चे, हमारे माता पिता बुजुर्ग सभी सड़कों पे हैं। और 23 तारीख को आईओ ने ये प्रण लिया है, ये कसम कसमें खाई है खड़े होके कि हम 1983 पीटीआई कोई भी एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, हमने पहले एग्जाम भी दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, और ये सारे ग्राउंड से निकले हुए हरियाणा की मिट्टी के लाल हैं, ये जिन्होंने पहले खुद खेलते हुए हरियाणा का नाम रोशन किया और उसके बाद स्कूलों में जाने के बाद 20,000 नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर जो देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ हैं। आज ये हमारे बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई को बहाल करवाने के लिए आज जेल भरो प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें पीटीआई अपने परिवार के साथ शामिल हैं, उनके साथ साथ जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, सर्व कर्मचारी संघ है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, जितने भी अध्यापकों के संगठन हैं, छात्रों के संगठन हैं, नौजवानों के संगठन हैं, किसानों के संगठन, सीआईटीयू, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और अन्य सामाजिक संगठन भी आज इस आंदोलन में जेल भरो प्रोग्राम के अंदर इन पीटीआई साथियों के साथ आए हैं और हर हालत में आज हम जेल में जाएंगे। मैं भी फ्रीडम फाइटर का लड़का हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि फ्रीडम फाइटर के बच्चों के साथ ऐसा हाल है तो और क्या हाल होगा। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम फ्रीडम फाइटर को इतना वो दे रहे हैं, मैं उन्हीं का लड़का हूँ, मेरे फादर ने देश की आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी है, प्राण गंवा दिए उन्होंने, लेकिन फिर भी आज हम सड़कों पे हैं।